मेरठ में बीजेपी और गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर। राजेंद्र अग्रवाल जी से देखते हैं, वो क्या कहते हैं? जो रुझान सवेरे से आ रहे हैं वो स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि देश में नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण बहुमत वाली और एनडीए की दो तिहाई बहुमत वाली सरकार बननी चाहिए। जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात है, हम लोग मुझे तो पूरी उम्मीद है कि 70 का आंकड़ा भी बनेगा। 60+ तो सामान्यतः रुझान आ भी रहे हैं और राहुल जी अमेठी नहीं बचा पाए। जहाँ स्थानीय उसकी बात है, मेरठ बागपत मुजफ्फरनगर सहित, क्योंकि मैंने थोड़ा सा इसका अध्ययन भी किया था, जो 8 सीट 11 अप्रैल को मतदान हुआ था जिन सीटों पर, उन सभी 8 सीट पर भारतीय जनता।